दोस्तों, अगर आप अपने ईमेल आईडी या जीमेल का पासवर्ड भूल गए हो तो बिना किसी ओल्ड पासवर्ड के और बिना किसी मोबाइल नंबर के आप कैसे पता कर सकते हो या फिर आप कैसे चेंज कर सकते हो, इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि ईमेल आईडी का पासवर्ड आज के टाइम पे काफी सारे लोग भूल जाते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे फ़ोन में ईमेल आईडी लॉगिन किया हुआ 1 साल 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है। इसके बाद हम जो ईमेल आईडी का पासवर्ड है वो भूल जाते हैं, और बाद में कभी भी फ्यूचर में हमको किसी दूसरे फ्रेंड के मोबाइल पे ईमेल आईडी को लॉगिन करना होता है किसी भी वजह से। तो जब हम लॉगिन करने जाते हैं अपने ईमेल आईडी को, तो हमको पासवर्ड मालूम ही नहीं रहता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ईमेल आईडी या फिर जीमेल का पासवर्ड आप कैसे पता कर सकते हो, वो भी बिना किसी मोबाइल नंबर के या फिर बिना किसी ओल्ड पासवर्ड के। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो मैं आपको अपडेट बताने वाला हूँ ये अपडेट पहले नहीं आया हुआ था, लेकिन अभी ये अपडेट आया हुआ है, जो कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लाइव दिखाने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वेल दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल क्रेजी टेक सॉल्यूशन। चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर से मैंने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, ताकि मैं आपको लाइव दिखा सकूँ कि अगर आप अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए हो तो कैसे पता कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके जीमेल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जितने भी न्यू फ़ोन आ रहे हैं सभी में जीमेल ऐप पहले से ही रहता है, ओके, तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये जीमेल ऐप नहीं मिल रहा है तो ऊपर आप सर्च कर सकते हो, फ़ोन में आपको सर्च करने का भी ऑप्शन आता है, आप लोग सर्च करके जीमेल ऐप को ओपन कर लीजिएगा। तो ये देखिए, जीमेल ऐप को हम लोग यहाँ पर से ओपन कर लेते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है, आपका जो भी जीमेल आईडी, आपको किसी भी ईमेल आईडी का अगर आपको पासवर्ड चाहिए तो उसी ईमेल आईडी पे आपको जाना है, ओके। तो यहाँ पर से देख सकते हो मैंने एक ईमेल आईडी को यहाँ पर से ओपन किया हुआ है। अब मैं सिंपली से इस पे लोगो पे क्लिक करूँगा। तो जैसे यहाँ पर से लोगो पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर से आपको फर्स्ट में एक ऑप्शन मिलेगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ओके। तो ध्यान से इस वीडियो के सेटिंग्स को ध्यान से देखते रहिएगा, तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि जो ये नया अपडेट आया हुआ है शायद ही बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा। अगर आपको इस अपडेट के बारे में मालूम होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आपको यहाँ पर से होम का ऑप्शन मिल रहा है, पर्सनल इन्फो, साथ ही आपको डेटा एंड प्राइवेसी, एंड आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर से सेटिंग्स दिखता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी का आपको एक ऑप्शन मिलता है, सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर से एक ऑप्शन मिलता है, साइनिंग इन टू गूगल, पासवर्ड का ऑप्शन है, ओके। दोस्तों, यहाँ पर से ध्यान से सुनिएगा, इस वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, ओके। अगर आपके में ये वर्क नहीं करता है जो मैं आपको अभी तरीका बताने वाला हूँ, तो वो इस वीडियो के एंड में एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा, वो सबके लिए है। अब आपको यहाँ पर से पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर से पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये देखिए गूगल अकाउंट यहाँ पर से ओपन हो गया है। अब यहाँ पर से आपको टू कंटिन्यू फर्स्ट वेरीफाई दैट इट्स यू, यहाँ पर से आपको अपना ओल्ड पासवर्ड डालना है। जब तक आप लोग ओल्ड पासवर्ड नहीं डालोगे तो ये नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। ये देखो, जब तक ये हम ओल्ड पासवर्ड नहीं डालेंगे तो आगे का इंटरफेस यहाँ पर से ओपन नहीं होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखते हुए क्या करना है, अब यहाँ पर से आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर से तो हमको मोबाइल नंबर भी याद नहीं है और अपना ओल्ड पासवर्ड भी नहीं मालूम है, यही तो एक नया अपडेट है। आपको नीचे क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अब जो नया अपडेट है ये देखिए क्या है, जैसे आप लोग यहाँ पर से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे, यूज़ योर स्क्रीन लॉक टू एक्सेस योर अकाउंट, वेरीफाई दैट इट्स यू बाय कन्फर्मिंग योर स्क्रीन लॉक। आपके फ़ोन में जो भी स्क्रीन लॉक है, ओके, आपके फ़ोन में जो भी स्क्रीन लॉक आपने डाला होगा उसी को आपको यहाँ पर से करना है। ये तो फिंगरप्रिंट हो सकता है और फिर आपका पैटर्न लॉक हो सकता है। अभी आपने अपने फ़ोन में पासवर्ड डाला होगा वो आपको यहाँ पर से एंटर करना है, ना कि आपको ईमेल आईडी का ओल्ड पासवर्ड डालना है, ना ही आपको ईमेल आईडी का यहाँ पर से मोबाइल नंबर डालना है, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़ोन का पैटर्न लॉक डालना है या फिर आप सिंपली से फिंगरप्रिंट डाले होंगे तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर से मैं फिंगरप्रिंट डाल के देखता हूँ कि क्या होता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यूज़ योर स्क्रीन लॉक है, तो अब मैं अपने स्क्रीन लॉक पे क्लिक करूँगा। ये देखिए, जैसे ही मैंने अपना फिंगरप्रिंट को यहाँ पर किया तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। ये देखिए, पासवर्ड का ऑप्शन आ चुका है, न्यू पासवर्ड बोल रहा है बनाने के लिए।
यहाँ पर से गजब का मैजिक हुआ ना, ना ही आपसे ओल्ड पासवर्ड मांगा और ना ही आपका मोबाइल नंबर मांगा और ना ही किसी भी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आया। अगर आप पहले के वर्जन में देखोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, उस ओटीपी को एंटर करने के बाद ही आपका यहाँ पर से न्यू पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। लेकिन अब यहाँ पर से न्यू पासवर्ड आप ओनली फिंगरप्रिंट या फिर पैटर्न लॉक से भी कर सकते हो। तो अब आपको जो भी आपका न्यू पासवर्ड बनाना है वो आपको यहाँ पर से न्यू पासवर्ड बना लेना है और चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर लेना है। इससे आपका जो भी पासवर्ड है वो ईमेल आईडी का वो चेंज हो जाएगा और आप किसी दूसरे फ़ोन में भी आराम से डाल सकते हो। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैंने अभी अपडेट बताया है आपको सभी के फ़ोन में काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिसके फ़ोन में, अब यहाँ पर से बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके फ़ोन में ईमेल आईडी पहले से लॉगिन नहीं है, अगर आप अपने ईमेल आईडी को किसी दूसरे लैपटॉप किसी दूसरे फ़ोन में लॉगिन कर रहे हो तब आपसे वहां पर मोबाइल नंबर मांगेगा और ओटीपी आएगा आपके फ़ोन में, उसके बाद ही वो लॉगिन हो सकता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में पहले से ईमेल आईडी लॉगिन है तो आपसे ओनली पैटर्न लॉक या फिर फिंगरप्रिंट मांगेगा, इसके अलावा कुछ भी आपसे नहीं मांगेगा। अगर आपके किसी भी फ़ोन में किसी भी लैपटॉप में आपका ईमेल आईडी लॉगिन नहीं है और आप उससे बहुत दिनों बाद लॉगिन कर रहे हो तब तो फिर आपका फ़ोन नंबर और ओटीपी मांगेगा, इससे आप नहीं बच सकते हो। लेकिन जो मैंने अभी आपको अपडेट के बारे में बताया है वो भी बहुत ही काम की अपडेट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने फ़ोन में तो लॉगिन रहते हैं लेकिन बार बार पासवर्ड मांगता है लॉगिन करने के समय, इस चीज़ से आप बच सकते हो। तो ये अपडेट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कुछ और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, और ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है मोबाइल से रिलेटेड नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं कुछ और भी नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।